अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अवैस और आज हम जनरल नॉलेज के जो टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, मोस्टली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ एरिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, यानी दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा बड़े आज़म कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो ये है जी, एशिया का जो है बड़े आज़म है वो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा बड़े आज़म है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ डैश एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, यानी आबादी के लिहाज से आ गया है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो अगेन आबादी के लिहाज से भी एशिया सबसे बड़ा है और जो है आबादी के लिहाज से अंटार्कटिका जो वो सबसे छोटा बर्रे आज़म है, वो सारा बर्फ़ वाला एरिया है, सारी वो सारा जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका हुआ है तो इसलिए वहाँ पे आबादी बहुत कम है। देर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट ओशन इज़ डैश एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज़ डैश। तो सब 5 जो हैं दरिया सॉरी समंदर हैं दुनिया के सबसे बड़े, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा समंदर जो है वो पैसिफिक है और सबसे छोटा अरेक्टिक है, अरेक्टिक अरेक्टिक सॉरी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस जो है वो 24 अक्टूबर डैश में वो जो थी यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी, कब बनी थी। ये एक कंप्लीट एमसीक्यू भी आपका बन सकता है कि कंप्लीट डेट भी आपने लिखनी है और सिंपल आपको जस्ट डेट दिन या महीना या साल भी पूछ सकते हैं। तो ये है 1945। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एरिया के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्किपिलैगिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सॉरी ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा समझता आ रहा था। इट हैज़ अबाउट डैश आइलैंड्स, जो इंडोनेशिया है वो जजीरे जो है वो सबसे बड़ा जो है जजीरों जजीरा नमा मुल्क है, मुल्क जो है सबसे बड़ा जजीरा नमा मुल्क है। आर्किपेलेगिक जो है ये जजीरा नमा कहते हैं। तो इसमें टोटल कितने जजायर हैं, तो वो हैं जी 17,000 जजायर हैं जो इंडोनेशिया जो है वो इतने जजीरों पर मुश्तमिल है। अदर देन कॉन्टिनेंट्स द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़, सबसे बड़ा जजीरा दुनिया में कौन सा है, बड़े आज़म को साइड पर रख के सबसे बड़ा जो जजीरा है दुनिया में वो कौन सा है। ग्रीन लैंड है जी, ग्रीन लैंड में बिल्कुल बर्फ़ होती है और आइसलैंड में बिल्कुल हरियाली होती है, तो ये दोनों आपस में ना एक दूसरे से ओपोजिट हैं। आइसलैंड के बारे में अगर अक्सर लोग माइंड में ये कंसेप्ट रखते हैं कि ये इसमें बहुत बर्फ़ बनी होगी या हर तरफ बर्फ़ ही होगी, नहीं ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सर्च करिएगा, आइसलैंड जो है ये बिल्कुल हरियाली में है और ग्रीन लैंड जो है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये बिल्कुल बर्फ़ में है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इज द बॉर्डर बिटवीन, यानी जो दुनिया का सबसे लंबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो तो किन किन मुल्कों के दरमियान में है। तो ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय एन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये इसमें से आपके दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी चीज़ डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। उसके बाद पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। ये चीज़ कब डिस्कवर हुई उसकी डेट पूछ सकते हैं, और ये जो साइंटिस्ट था ये किस मुल्क से या किस किस जगह से ये बिलोंग करता था, तो ये है जी स्कॉटलैंड से था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये जो AC9 क्वेश्चन के अंदर आपके 2 से 3 MCQs मज़ीद बन सकते हैं, तो इसे ज़रा गौर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड डायनामाइट एन एक्सप्लोसिव इन 1860s, ही वॉज एन डैश साइंटिस्ट। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है कि जो अल्फ्रेड नोबल है उसने क्या इन्वेंट किया था,
डायनामाइट यानी बारूद इन्वेंट किया था? बारूद किसने इन्वेंट किया था? ऑपोजिट में क्वेश्चन आ जाएगा, अल्बर्ट नोबल ने। कब इन्वेंट हुआ था? 1860s में। तो कहाँ से वो बिलोंग करता था? तो ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, स्वीडिश यानी स्विट्ज़रलैंड से वो बिलोंग करता था। तो इसी क्वेश्चन के अंदर से आपके मज़ीद दो से तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। ये मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उनको मैंने एक वीडियो में कवर अप कर दिया है। मज़ीद वीडियोस हम इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। कनेक्ट रहिएगा हमसे, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी मतलब रवायत चलती है। मज़ीद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो हैं हमारे भाई कह रहे हैं कि उनको किसी का जो एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज जो हमने साइड पे कर दिया, जनरल नॉलेज का सेक्शन एक अलग से होगा, करंट अफेयर्स अलग से होंगे। इसी तरह हम सब्जेक्ट को भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट होंगे इंशाल्लाह सबको हम कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।